और हादसे से बड़ा सानहा ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि जिन मजदूरों के नाम पे पूरी दुनिया छुट्टी करती है वो मजदूर आज भी जुल्म के निजाम में पिस रहा है। और यकम मई मजदूरों का दिहाड़ा है, आज पूरी दुनिया के बीच जेड़ा ना मजदूरों का दिहाड़ा है, मजदूर सारे ने छुट्टी है, पाकिस्तान की यूरोप की जेड़ी थां दिल्ली सारिया थावां ते मजदूरों ने छुट्टी है, लेकिन तुसी आज भी जेड़ा काम लगे हो इहदी की वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पे कादर है। यकम मई लेबर डे, मजदूरों का दिन, जो कि पूरी दुनिया में शिकागो के मजदूरों को सलाम पेश करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और हजारों मजदूरों ने कुर्बानियां देने के बाद अपना हक जो है वसूल किया। तो इस दिन की निस्बत से तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे तमाम दुनिया में छुट्टी होती है, और हादसे से बड़ा सानहा ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि जिन मजदूरों के नाम पे पूरी दुनिया छुट्टी करती है वो मजदूर आज भी जुल्म के निजाम में पिस रहा है, और आज भी वो काम यानी यकम मई लेबर डे के मौका पर भी वो मजदूर आज भी अपने काम में लगा हुआ है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जबकि जितने अफसरान हैं वो तो छुट्टियों के मजे लूटते हैं, मजदूर आज भी काम करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टर्किया के शहर इस्तांबुल में, यहाँ पे एक मकामी फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई मजदूर भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज चूंकि यकम मई है, मजदूरों का दिन है, तो उन लोगों को कोई शायद पता ही नहीं है कि आज मजदूरों का दिन है, पूरी दुनिया पे छुट्टी है, लेकिन उनके मालिक ने उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी है और वो आज भी काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, आपको मामलात दिखाते हैं और उन मजदूरों से बातचीत करते हैं कि जिनके क्या मामलात हैं। यकम मई पूरी दुनिया में छुट्टी है, लेकिन वो आज भी अपने बीवी बच्चों की खातिर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आइए उनके साथ बातचीत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। चले जी आए हमारे साथ, चलिए आगे चलते हैं। आप ध्यान से आइएगा नीचे जनाब, ये यहाँ पे मैकेनिकल के रिलेटेड फैक्ट्री है, तो यहाँ पे सारा मैकेनिकल का काम है, ये भाई सारे पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब हम चलते हैं, एक बुजुर्ग है उनके पास, पाकिस्तानी है भाई, कह रहे नहीं भाई आए आज भाई आज। कोना आग में तप कर कुंदन होता है, जैसे आपको पता है, ये भाई इतनी हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना पीस निकाल ले, ये ना हो तो वो खराब हो जाए। अच्छा जी, आज यकम मई मजदूरों का दिन है, पूरी दुनिया पे छुट्टी है मजदूरों को, तो आप आज भी काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो पेट की खातिर तो करना पड़ता है ना मेरे भाई, ठीक है, मजदूरों की तो छुट्टी है, लेकिन आप आज भी बैरून मुल्क में मुकीम होने के बावजूद यहाँ पे छुट्टी नहीं कर रहे, रेस्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि पेट की खातिर करना पड़ता है। ये तो बात ठीक है, तो आप कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं? मैं इधर 20 घंटे काम करता हूँ। 18 से 20 घंटे काम करते हैं? 18 से 20 घंटे काम करते हैं। तो इतना ज्यादा काम करने के बाद आप कितने पैसे बना लेते हैं? बस मालिक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, निजाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अंदाजन को हमें एस्टिमेटेड बता दें, परफेक्ट ना बताएं, 2 लाख 1.5 लाख कितने बना लेते हैं? 1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं, 1.5 से 2 तक आप पहुँच जाते हैं। हाँ जी, तो अभी जो भाई डंकी लगा के मैं थोड़ी बहुत टर्किश लोगों और टर्किश मामला के बारे में उनसे सवाल पूछूंगा, कि जो भाई अभी डंकी लगा के टर्की आना चाहते हैं उन्हें आना चाहिए? उनके लिए मसला है, वो नहीं आ सकता। अच्छा, सच्ची है यहाँ पे, सच्ची है, देखो अच्छे तरीके ना, लीगल तरीके ना आए। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ये जो डंकी वाला काम है ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। एंड पे हमने इनसे डंकी के मतलब भी पूछा कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये कहा डंकी पे नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आइए जी चले आप और लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इन भाई को तो पता था कि यौमे मजदूर है आज के दिन, और लेकिन वो कह रहे हैं कि पेट की खातिर जो है वो सारा कुछ करना पड़ता है। इवेंट्स का हमें ज्यादा, हमारा इस बात पे है कि हम अपनी रोजी रोटी का काम करें, बजाय इसके कि ये इवेंट्स में पड़े।
चले जी, ये इम्तियाज भाई है हमारे, बहुत प्यारे भाई, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है, सेहत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, दुआवां मेरा। अच्छा, पूरी दुनिया के विच छुट्टी है, मजदूरों का दिहाड़ा, लेबर डे वे, ते तुसी आज फिर भी काम लगे हो, की मामला है? इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, की चक्कर है भाई? गल है वे कि देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, ठीक है, हर बंदा मजबूर है, हर बंदा चाहता है कि मैं चौकी तो चौके अपना घर पैसे कला, ठीक है, अनलीगल तरीके ते ही रह रहे हैं, थोड़ा सिगरेट दे डाला इधर तक, फैक्ट्री दे विच रह रहे हैं, ठीक है, रहस भी इथे वे, सारा कुछ इथे वे, मजबूरी हुंदी है थोड़ी कि चलो मालक दा को अपना रोजगार सीधा आया, को अपना निजाम जड़ा ना वो ठीक हो जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਕਾਰ, ਬਸ ਐ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਣ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣ ਆਇਆ ਦਾਰੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਅਹੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ 17 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 16-17 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 16-17 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਐ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋ 16-17 ਦਾ ਲੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਈ ਨਾਬ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਆ ਦੀ ਕੋਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। अभी जी और लोगों के साथ बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामलात है। जी भाईजान है, अभी इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो भाईजान, आज पूरी दुनिया पे छुट्टी है, यौम मजदूरा है, 1 मई लेबर डे है, पूरी दुनिया के लोग छुट्टी कर रहे हैं, तो आप आज भी काम पे लगे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? भाई जो है ना, आए हम मजदूर बंदे हैं, फिर तुम्हें पता के जेड़ा ना के काम जरूरी है, सरकट नहीं चलता, पीछे नहीं, पीछे बाल बच्चा नहीं चलता, फिर वो मजबूरी नु करना पड़ेगा, मजदूरी करनी करनी है, तो कोई मजदूरा ने दिहाड़े ना सरोकार नहीं है, कोई नहीं जी, कोई दुनियादारी नहीं, तुम्हारा काम है बाबा काम करी जाना, हां जी, पैसे कमा के पीछा कर ली जाना, बिल्कुल जी, मजदूर हां ते फिर की करिए, ठीक हो गया। ऐसे हम किन्ने के पैसे तुसी महीने दे कमा लेंदे हो इथे तुर्की? ओ कोई जांदा को 1-1.5 लाख रुपया, बस 1.5 लाख रुपया। काम किन्ने घंटे कर दे हो? काम 20-22 घंटे काम कर दे, हथौड़ा करो भाजी, 24 घंटे ते ध्यान हुंदी है, वाले देखो ना 2-3 घंटे सिर्फ लभदे ने तौनु। अच्छा ठीक है, बस 2-4 घंटे 5 घंटे कई कई दिहाड़े मेने जे दड़े तुसी 20-22 घंटे ते काम कर दे, जदों ना वे दिल करे फिर छुट्टी कर लई दी है। अच्छा, तो कुछ दिन ऐसे भी ने जिन्हें भी घंटे भी काम करते हो? बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात आसान फरमाए, बहुत शुक्रिया जी। शोर भी बड़ा करती है जी, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी चाचा जी, 1 मिनट सांदियो टाइम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल चाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक, ठीक ठाक। तो पाकिस्तान केड़ी था तू? मैं गुजरात। अच्छा गुजरात तू, तो साडा अज दा मौजू है भाई 1 मई मजदूरों का दिहाड़ा है, अज पूरी दुनिया दे विच जेड़ा ना मजदूरों का दिहाड़ा है, मजदूरों सारिया ने छुट्टी है, पाकिस्तान की, यूरोप की, जेड़ी थां दिल्ली, सारिया थावां ते मजदूरों ने छुट्टी है, लेकिन तुसी आज भी जड़ा काम लगे हो, इदी की वजह है, की मामलात ने, कोई इन्ना पिछू दबाओ है के काम ही करो, की मामला है? ए भाजी फिर की करिए, मजबूर बंदे हैं असी, इत्थे होए हैं, ठीक है, मजबूरी नु भाजी दा अगला दबा दित्ते है, काम करो जी, काम करो, काम करो, काम करो, तो साडी सारी गल है, असी अनलीगल बंदे हां भाजी, मजबूरी नु करना पैंदा वे, ऐ भी गल ठीक है बा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਬਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇ
ठीक नहीं कोई अंदाजा लाख डेढ़ लाख दो लाख 70-80-90 ਦਾ ਟੋਰ ਛੜੀ ਦਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਟੋਰ ਛੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਜੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬੇਸਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਡਾਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈ ਡਾਢੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਸ ਆ ਗਏ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਆਦਰ ਸੰਗਾ ਜਾਣਾਗਾ ਜਾਣੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ नहीं तो जिन्नी की मजदूरी तुम इतने करते हो इन्नी मजदूरी अगर अपने मुल्क कर दे तो कुछ बन पाना सी या नहीं सी बन या बिल्कुल जी बन जाना सी क्यों नहीं बनना है अभी करिए तो बन रहा ना तो करिए ना तो जिन्ना इतने तुमने काम किया इन्ना उतने तुमने आज तोड़ी नहीं किया नहीं किया पाजी नहीं किया नहीं किया इतने उन सिर पे आया तो करने लगे यार बड़ी मेहरबानी बड़ा शुक्रिया माशाल्लाह अल्लाह पाक दी ज़ात तुहानू जनाब आसानियां फरमाए तुहाडे काम च बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया ये अब चलते हैं किसी और भाई के पास यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी काम कर रहे थे तो उनसे बातचीत की है सब हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये भाई अब लास्ट में है इनसे बातचीत करते हैं हमारे भाई आप थोड़ा सा इधर हो ना जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है ठीक है सेहत भी ठीक है जी भाई एकदम मैं फर्स्ट क्लास ठीक ठाक पाकिस्तान कैसी जगह तू जी पाकिस्तान मंडी बावलदीन अच्छा मंडी बावलदीन तू क्या आज पूरी दुनिया दे विच मजदूरां दा दिहाड़ा मजदूरां नू सारयां नू चाहे यूरोप च ने चाहे एशिया च ने उन्हां नू आज छुट्टी है जी बिल्कुल ते तुसी आज भी काम लगे एदी की वजह है वजह है कि पाकिस्तान गुरबत बहुत है महंगाई बहुत है मजदूरी के साथ लगे हुए हैं मजदूरी मजबूरी के साथ आप लगे हुए हैं मजबूरी के साथ लगे हुए हैं इधर क्या करना है हमने छुट्टी करके क्या करना है आप कहते हैं क्या टाइम लगा टाइम लगाते हैं हमारे तो यहाँ पे आप कितने घंटे काम करते हैं और कितने पैसे बना लेते हैं महीने के 17 घंटे काम करते हैं 17 घंटे काम करते हैं 17 घंटे काम तो कितने पैसे आप बना लेते हैं महीने के जो बचा लेते हैं ये अल्लाह का शुक्र है बस अपना मार के इधर टिफिन 2 लाख बना लेते हैं 17 घंटे काम करने के बाद 2 लाख बनता है जी हाँ बनता है बिल्कुल बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जनाब बहुत तो नाजरीन इन सब भाइयों के आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि ये क्यों लेबर डे के मौका पर भी काम कर रहे हैं तो इन सब भाइयों ने मुख्तलिफ तन्हाएं बताई हैं ये यहाँ पे जितना ज्यादा काम करते हैं उतने ज्यादा पैसे बनते हैं तो नाजरीन आपने तमाम भाइयों के व्यूज देखे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो सैलरीज हैं जो भाई जितना ज्यादा काम करते हैं उतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कुछ लोग तो 17-17, 18-18 घंटे का कह रहे हैं कि हम काम करते हैं मुझे यकीन नहीं था आता लेकिन फिर मैंने इधर उधर से पता किया और उन्हें बताया कि वाकई ये लोग इतना ज्यादा काम करते हैं और फिर जाके ये 1.5 से 2 लाख रुपए बनाते हैं तो नाजरीन यहाँ पे हालात काफी टफ हैं तो मैं डंकी वाले भाई को मशवरा यही दूंगा कि आप डंकी वगैरह ना लगाएं और जो भाई हमें एजेंट्स के लिए फोन कॉल्स करते हैं उनसे भी माजरत है हमारा ना तो किसी एजेंट से तल्लक है और ना हम खुद एजेंट हैं हमारा काम आप तक ऑथेंटिक मालूमाती वीडियोस पहुंचाना है ना कि शुभदेवाजियां फैलाना है आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आदिल संधू सरगोधा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी।